नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक मन में सोच डालना चाहता हूँ। जैसे सैनिटाइजर की बात होती है, हैंड सैनिटाइजर की, बहुत अच्छा है, आपके हाथ आप सैनिटाइजर से धो सकते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने हाथ तो धो रहे हैं लेकिन मुँह का क्या, माथे का क्या, बालों का क्या, इन हैंड्स का क्या, सीने का क्या, पैर का क्या? ये भी तो सैनिटाइज होने चाहिए। मर्ज तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी मर्ज हो कहीं से भी आ सकता है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए साथियों यह वीडियो है। साथियों, गर्मी का मौसम आ रहा है, तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया हम सब पे हमला करेंगे। इस समय जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया के हाल हैं, वह हम सबके सामने हैं, कोई कुछ छिपा नहीं है। तो इस तरह जो नए नए वायरस और नए नए बैक्टीरिया हम लोगों पे हमला करेंगे, इससे हमको बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसका कारण है साथियों, कारण यह है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग होने के कारण हमारे पास हर तरह के संसाधन सीमित हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, भगवान की कृपा से हैं, लेकिन वह सीमित हैं। आपके पास सीमित पैसा है, आपके पास सीमित हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास सीमित वक्त है, आपके पास सीमित परिवार है, आपके पास सीमित देखभाल करने वाले हैं, आपके पास सीमित वो दायरा है जिसमें आप अपने इलाज को करा सकते हैं। तो क्यों ना ये अच्छा हो कि हमें कोई बीमारी ही ना हो। इसी विषय को लेके आज जो तमाम वायरस और बैक्टीरिया का, मैं कहूँगा, दुनिया पर हमला हो रहा है, हम आपको बताएंगे एक ऐसा होल बॉडी सैनिटाइजर जिसको आप इस्तेमाल करके पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर सकते हैं। सुबह आप काम निकलने से पहले सैनिटाइज कर सकते हैं बॉडी को, काम पर जाने से पहले, शाम को आके घर पे आप बॉडी को सैनिटाइज कर सकते हैं। बहुत अद्भुत नुस्खा हम आपको बताएंगे और ये बहुत ज़रूरी है साथियों। जैसा मैंने कहा, इस पूरे वीडियो की पृष्ठभूमि ही ये है कि मैं अपने मन में महसूस करता हूँ कि जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरी एक 5 साल की बच्ची है, एक 12 साल की बच्ची है और एक 1.5 साल का बच्चा है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब अगर मैं बीमार पड़ता हूँ, मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है, मेरी माता जी हैं जो स्वयं चल नहीं पाती हैं, एक मेरी बीवी है जो फेथफुल है लेकिन वो कितना संभालेगी। तो अब अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, बाकी परिवार का क्या होगा? मैं डेली वेज का अर्नर हूँ, अगर आज आपको दवा दे रहा हूँ या किसी को दवा दे रहा हूँ तो 2 पैसा आ रहा, दवा नहीं दूंगा। जिस दिन, जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है, 10 दिन से दवा नहीं दी गई तो पैसा नहीं आ रहा। आप लोग कह रहे हो, शायद मन में कोई सोच रहा हो, यूट्यूब से तो आ रहा होगा, लेकिन यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता कि उससे घर चले, आता है कि किराया भाड़ा निकल आए। तो हम अपने को ध्यान में रख के आपके लिए बताते हैं बहुत अचूक नुस्खा जो आपके पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर देगा, और बहुत आसान नुस्खा है साथियों। पेश है आपके सामने एक बेहतरीन होम रेमेडी जो आप घर पे तैयार कर सकते हैं अपने होल बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए, और आसपास का एरिया भी उससे सैनिटाइज हो जाएगा, यानी आपका बाथरूम जहाँ आप नहाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है साथियों, आपको 50 पत्ती नीम लानी है। नीम मीन्स एज अ डायरेक्टा इंडिका। नीम, भगवान ने भारतवर्ष को एक ऐसा पौधा दे दिया है जो कि अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है, जिसका कि कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसकी चाहे आप छाल इस्तेमाल करो, चाहे जड़ इस्तेमाल करो, चाहे पत्ती इस्तेमाल करो, चाहे तना इस्तेमाल करो, हर चीज़ का इस्तेमाल अव्वल है, नंबर एक है। तो आप 50-60 पत्ती नीम की ले आइए, उसको आप एक भगोने पानी में चढ़ा दीजिए बॉईल होने के लिए। उसमें आप थोड़ा सा जो है 5 ग्राम कपूर यानी कि कैम्फर डाल दीजिए, और 5 ग्राम पोटाश हेलम यानी कि फिटकरी, जो खाने वाली फिटकरी होती है, वो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चौथी चीज साथियों जो हमने इस मिश्रण में डाली है वह है लेमन नींबू। 1 रुपए का 1 लेमन या 1 रुपए का 2 लेमन नींबू मिलता है, आपको 2 नींबू डाल लेने हैं उस पानी में। इस पूरे मिश्रण को आप 15 मिनट बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद जब आप नहाने जाएं तो नहाने में आप इस पानी को, जो 1 लीटर पानी आपने तैयार करा है, इसका 0.5 लीटर पानी आप अपनी बाल्टी में डाल लीजिए, बाकी आप नॉर्मल पानी मिक्स कर लीजिए और इस पानी से नहा लीजिए। ये साथियों बात छोटी सी है
लेकिन ये सबसे अच्छा होल बॉडी सैनिटाइजर है। आप हाथ सैनिटाइज करते हो तो सर रह जाता है, सर सैनिटाइज करते हो तो पैर रह जाते हैं। तो यह जो नुस्खा है आपके पूरे बॉडी को सैनिटाइज करेगा। और हम आपको साथियों यह भी बताएंगे कि ये क्यों सैनिटाइज करेगा। साथियों यह नुस्खा इसलिए काम करेगा क्योंकि इसका पहला कंपोनेंट नीम है। नीम साथियों, नीम में टाइटर फिनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीवायरल होते हैं, वायरस को मारते हैं। तो यह बहुत बड़ा एक केमिकल होता है नीम में मिलने वाला, जो आपके आपके वायरस को ख़त्म करेगा और आपको डिजीज से सुरक्षित रखेगा। साथ में नीम एंटीबैक्टीरियल भी है। दूसरा कंपोनेंट जो आता है साथियों, जो हम लोगों ने इस मिश्रण में डाला है, वह है कैम्फर। कैम्फर में साथियों कैम्फेसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि हीमोग्लुटिनिन के रूप में काम करता है। हीमोग्लुटिनिन वो फिनोमेना होती है जिसमें कि आरबीसी को एक क्लस्टर में क्लंप होने से रोकते हैं। जब ये हीमोग्लुटिनिन के रूप में ब्लॉक करता है क्लंपिंग को, तो ये आपको डिजीज को कहीं ना कहीं आपके शरीर में पनपने से रोकता है, और जो डिजीज बचा है उसको इम्यून सिस्टम आपका खुद ख़त्म कर देता है। तीसरी चीज़ जो साथियों इसमें हम लोगों ने डाली है, पोटाशियम। पोटाशियम एसिडिक कैटलिस्ट होता है, यानी कि फिटकरी वह एसिडिक कैटलिस्ट होती है, वह पूरे रिएक्शन को कैटलाइज करेगी ताकि जो आपने पानी तैयार करा है उसका इफेक्ट 10 गुना हो जाए। लेमन में साथियों ट्राइटरफिनॉल पाया जाता है। ट्राइटरफिनॉल एंटीवायरल होता है, और साथ में नींबू में विटामिन सी होता है जो कि बेस्ट नेचुरल ऑक्सीडेंट है, क्लास वन नेचुरल ऑक्सीडेंट है। मेडिकल साइंस में यह क्लासिफाइड है एज ए क्लास वन एंटीऑक्सीडेंट। और फिर आप सब जानते हैं लेमन एक खूबसूरत सी खुशबू देता है, और इससे ज़्यादा साथियों हम लोग किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब खाना खाते हैं उसके बाद हमको पानी में लेमन दिया जाता है, गुनगुने पानी में, और उस लेमन से आप देखिए कि बिल्कुल नाखून और हाथ साफ हो जाते हैं। तो हम लोग तो अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, तो क्यों ना उससे पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर ले। साथ में लेमन आपके सर में अगर डैंड्रफ है तो उसको ख़त्म करता है। तो यह चार चीज़ें हैं साथियों, यह आपकी मदद करेंगी आपको सुबह सुबह काम पे निकलने से पहले होल बॉडी को सैनिटाइज करने में, पूरे शरीर को सैनिटाइज करने में। आप इससे आनंदित भी होंगे और आपको स्फूर्ति यानी एनर्जी भी महसूस होगी। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, हमको बताइए कि आपको यह नुस्खा ठीक लगा कि नहीं लगा। इसको करिएगा, हमको बताइएगा, हमें खुशी होगी। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पे आप हमें क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अनूठा वीडियो है ये, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इम्पॉर्टेंटली इसको शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपकी पूरी गर्मियां रोग रहित बीते, आपका मेहनत का पैसा रोगों में बर्बाद ना हो, ऐसा डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक कामना करता है। धन्यवाद।